ने देखो, आज मराठा समाज के लिए एक बहुत खुशी का दिन है। पिछले कई सालों से उनकी मांग थी कि मराठा समाज को आरक्षण मिले, और आज ये सरकार ने निर्णय लिया है मराठा समाज को 10% आरक्षण देने का। और निश्चित रूप से ये मराठा समाज सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। ये जो बैकवर्ड कमीशन जो है, स्टेट बैकवर्ड कमीशन, इन्होंने सिद्ध किया है। ये बहुत ही एक्सटेंसिव और डिटेल में डेटा, इम्पीरिकल डेटा कलेक्ट हुआ है, और 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास से ये डेटा कलेक्ट किया है। और निश्चित रूप से ये रिजर्वेशन जो है, ये कोर्ट में भी ये टिकेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिए थे, जो खामियां निकाली थी, उसे ध्यान में रखकर ये डिटेल सर्वे किया है। इसलिए निश्चित रूप से कोर्ट भी ये सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा, क्योंकि मराठा समाज के कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कई लोगों ने आत्महत्या की हुई है, और इसलिए एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमटेंस, एक्सेप्शनल सर्कमटेंस, ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई थी। ऐसे समय में सरकार ने ये उचित निर्णय लिया हुआ है। ओबीसी समाज को कोई भी बाधा नहीं पहुंचाते हुए, अन्य समाज के ऊपर अन्याय नहीं करते हुए, ये मराठा रिजर्वेशन देने का निर्णय बहुत बड़ा निर्णय सरकार ने लिया हुआ है। मुख्यमंत्री आप बन गए हैं, जिन्हें दोनों हाउसेस में जो है, उसके बाद आप अगर सुप्रीम कोर्ट में पास हो जाता है, कितनी अच्छी बात भी आपके लिए। ये एक मत से पारित हुआ है सभी लोगों ने। मैं विपक्ष के लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ, मेरे दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी और अजीत दादा पवार, और मेरे पूरे मंत्रिमंडल के सहयोगी, और हमारे सब विधायक पूरे के पूरे, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। विपक्ष को फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ, सभी लोगों ने मिलकर ये जो कानून है पारित किया है, और निश्चित रूप से ये कोर्ट में भी ये पूरी तरह बरकरार रहेगा। मनोज जरंगे जी को भी मैं ये कह रहा हूँ, मनोज जरंगे पाटिल, जैसे हमने ये आरक्षण जैसे शब्द दिया था तब पूरा किया है, वैसे ही जो नोटिफिकेशन के ऊपर जो कई ऑब्जेक्शंस आए हैं, उसकी स्क्रूटिनी होगी, उसके बाद निश्चित रूप से पूरी प्रक्रिया होने के बाद वो नोटिफिकेशन भी सरकार के, नोटिफिकेशन के ऊपर सरकार उचित निर्णय लेगा।